नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। शराबबंदी 2016 में लागू की गई, तब से लगातार कई सारी पहल की जा रही है जिससे कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं है। पिछले दिनों की हुई मोतिहारी की यह घटना इस बात को चीख चीख कर बयां करती है कि अब भी शराबबंदी सफल नहीं है। वही बात उससे भी पहले की करें तो छपरा में हुआ शराबकांड भी इसका पुख्ता सबूत है, गवाही दे रहा है कि किस तरह से शराबबंदी जो है असफल है। लेकिन अब शराबबंदी के इस पहल को और तेज किया जा रहा है, यानी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के पहल में और तेजी लाई गई है और इसको लेकर 36 नए उत्पाद थाने का निर्माण किया जाएगा। इन थानों की संख्या अब तक 44 है, लेकिन अब नए एजेंडे के रूप में 36 नए उत्पाद थाने को बनाया जाएगा और इसका अब कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि किस तरह से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार पहल करने वाली है। राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी मुस्तैदी से लागू करने के लिए अब अनुमंडल स्तर पर भी उत्पाद थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में इसकी संख्या 44 है, जो अधिकांश जिला स्तरीय है। अब 36 नए थाने अनुमंडल स्तर पर खोले जाएंगे। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश भी जारी कर दिए है। इसमें फिलहाल वैसे अनुमंडलों को खासतौर से चुना गया है जहाँ पर अवैध शराब से जुड़ी गतिविधि काफी तेजी से होती है या शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें अक्सर आती रहती है। इसके मद्देनजर उत्पाद थाने का क्षेत्र का विस्तार भी किया गया। इन अनुमंडलों को मध्य निषेध थाना क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस क्षेत्र में उत्पाद पदाधिकारी को धारा 73 के अंतर्गत बिना वारंट की तलाशी की शक्ति भी प्रदान की गई है, वो क्षेत्र थाना क्षेत्र समझे जाएंगे। इस थाना क्षेत्रों में FIR दर्ज करने से लेकर अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से यानी कि पूरी मुस्तैदी से लागू करने के लिए अब अनुमंडल स्तर पर भी उत्पाद थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में इसकी संख्या 44 है, जो अधिकांश जिला स्तरीय ही है। अब 36 नए थाने अनुमंडल स्तर पर खोले जाएंगे। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश भी जारी कर दिए है। इसमें फिलहाल वैसे अनुमंडलों को खास तौर से चुना गया है जहां पर अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियां काफी तेजी से होती है या शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें अक्सर आती रहती है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से प्रस्तावित थाने हैं जिसे खोले जाने हैं। दरअसल रानीगंज, दाऊदनगर, कटोरिया, मंझौल, कहलगांव, पीरो और जगदीशपुर, डुमराव, बेनीपुर और साथ ही बिरौल, मधुबन और अड़ीराज, शेरघाटी, मोहम्मदपुर, बारसोई, गोगड़ी, उदारकिशनगंज, झंझारपुर और बेनीपट्टी, बरहिया, साथ ही तारापुर, हिलसा, पकड़ी बड़ावा, धमदाहा, विक्रमगंज, साथ ही रोसरा और पटोरी, मशरक एवं सोनपुर, साथ ही पुपड़ी और रुन्नी सैदपुर, साथ ही महाराजगंज और रघुनाथपुर, सिमराही, त्रिवेणीगंज, साथ ही महुआ अनुमंडलों में उत्पाद थाने खोलने का प्रस्ताव लाया गया है। यानी कि जैसा आप सुन रहे हैं कि किस तरह से शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अब सरकार ने पहल को और तेज कर दिया है और कई सारे उत्पाद थानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ये गतिविधि को ध्यान में रखा जाएगा कि आखिर किन इलाकों में तेजी से शराब बनाई जा रही है, किन इलाकों में अवैध तरीके से शराब बनती है और इसके बाद ये पहल और तेज की जाएगी कि किन जगहों पर थानों को बनाना है, यानी कि चुनिंदा जगहों पर ही थाने का निर्माण होगा जिससे कि अवैध शराब बनना भी रुक जाए और इस तरह से जो हादसे होते हैं आए दिन बिहार में, उससे लोगों को निजात मिल पाए। बता दें कि शराबबंदी कानून बनने के बाद से अब तक इस पर कई तरह की पहल की गई, लेकिन अब भी लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आती रहती है यह इस बात की गवाही देती है कि अभी भी बिहार में शराबबंदी फेल है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।